अब लीजिए दो दो रेसिपी का एक ही रेसिपी में स्वाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिरा और मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही खस्ता शक्कर पारे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर ली, आप भी कोई एक कटोरी सेट कर लीजिए। तो एक कटोरी यहाँ पर हमने चीनी ली है, इसको ग्राइंडर जार में हम डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ढक्कन लगा के इसे बारीक पीस लेते हैं। तो चीनी जो है हमारी अच्छी पीस कर तैयार हो गई है। इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं जिसमें हम आटे को गूंथने वाले हैं। तो हाफ कटोरी यहाँ पर हमने फ्रेंड्स घी ले लिया है। घी से बहुत ही टेस्टी हमारे खस्ता शक्कर पारे बनते हैं। आप चाहें तो कोई और ऑयल भी ले सकते हैं। तो हाफ कटोरी इसमें डाल देते हैं दूध और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर रेडी कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 3 से 3.5 कटोरी जो है मैदा लग जाएगा, पर एक साथ मैदा इसमें हम नहीं डालेंगे। पहले 2 कटोरी इसमें मैदा हम डाल लेते हैं और 1 कटोरी साइड में रख देते हैं। जैसे जैसे हमें आवश्यकता होगी उसी हिसाब से इसमें हम डालते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, एक साथ मैदा बिल्कुल भी मत आप डालिएगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने हाफ कटोरी इसमें मैदा और डाल दिया है। पहले 2 कटोरी डाला था, हाफ कटोरी और डाल दिया है, अब ये भी हम डाल देते हैं। तो पूरा मैदा इसमें 3 कटोरी हमने डाल दिया है और हाफ कटोरी यहाँ पर मैदा हम और डाल देते हैं। तो टोटल हमारा 3.5 कटोरी जो है मैदा लगा है इसमें गूंथने में। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से गूंथिएगा तो आपके शक्कर पारे बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डो लगाकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे 5 मिनट के लिए साइड में हम रख देते हैं ताकि हमारा आटा जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 मिनट फ्रेंड्स हमारे हो चुके हैं। तो चलिए अब इसके शक्कर पारे बनाना शुरू करते हैं। तो आटे से हम एक छोटी सी बॉल कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूड़ी से भी छोटी लोई बना करके तैयार की है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से बनाइए, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे बेलकर भी बना सकते हैं। मैं इस तरीके से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें लेयर ढेर सारी अंदर आती हैं इस तरीके से बनाने से, और बेलने से थोड़ा कम आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने सारे जो है शक्कर पारे बना करके रेडी कर लिए हैं। थोड़ा इनको प्रेस कर देते हैं हम। अब एक यहाँ पर हमने बॉटल का ढक्कन लिया है, तो उससे हम इनको कट कर लेते हैं ताकि इनको एक अच्छा सा शेप मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे हमारे शक्कर पारे बन करके तैयार होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत मोटे भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से शक्कर पारे बना करके तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस शक्कर पारे में बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट पाएंगे, क्योंकि जो हमारे मार्केट में बिस्किट आते हैं बिल्कुल ही वैसे खाने में लगते हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे शक्कर पारे जो है कट करके रेडी कर लिए हैं। अब इधर हम फ्राई करते हैं। तेल हमारा अच्छा गर्म है, गैस की फ्लेम यहाँ पर हमने स्लो रखी है। ये गैस की फ्लेम स्लो ही करके जो है शक्कर पारे बनाए जाते हैं, इससे बहुत ही खस्ता बनते हैं। फ्रेंड्स, आप गैस की फ्लेम बिल्कुल तेज़ मत रखिएगा, वैसे ही ऊपर से लाल हो जाएंगे, अंदर से कच्चे से लगेंगे। तो स्लो फ्लेम पर अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता आपके बिस्किट बन करके ये तैयार होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। इनको इसी स्टेज पर निकालना होता है क्योंकि ये कढ़ाई से निकालने के बाद भी थोड़ा कलर अपना चेंज करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने सारे शक्कर पारे बना करके तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें सेकेंड बैच भी फ्राई करना है। सारे शक्कर पारे डाल देने हैं, गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है और इसे एक एक करके हम पलट देते हैं कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही आसानी से ये हमारे शक्कर पारे बन करके तैयार हो जाते हैं। कोई ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब आप अपने घर पर बनाएंगे तो मार्केट के बिस्किट भूल जाएंगे खाना, इतने ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए कितने अच्छे हमारे बिस्किट बन करके तैयार हुए हैं, और इन बिस्किट को बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं और बनाने में भी बच्चे मदद कर देते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक बिस्किट तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा लेयरदार और कितने खस्ता हमारे बिस्किट बन करके तैयार हुए। मैं एक बिस्किट आपको और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ढेर सारी लेयर वाले हमारे शक्कर पारे बन करके रेडी हुई हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए। और कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इन रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।